कुछ वक्त तक पहले टमाटर के जो दाम थे आसमान छू रहे थे, अब टमाटर के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन एक और समस्या आम नागरिकों के लिए सामने आ रही है, वो ये है कि प्याज के दाम अब बढ़ सकते हैं, जिस कारण से सरकार ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा दिया है, प्याज के दाम ना बढ़े। हालांकि मुंबई में जो है फिलहाल क्या दाम चल रहे हैं, दादर सब्जी मार्केट में हूँ मैं, ये होलसेल मार्केट है, जानते हैं कि सर आपका नाम क्या है? सतीश सनस। क्या दाम चल रहा है अभी? कांदा 80 रुपया अढ़ाई किलो, 32 रुपया किलो। तो क्या बड़ा है अभी के कम हुआ? बड़ा है। कितना बड़ा है? 4 रुपया बढ़ गया, 4-5 रुपया। कितने दिनों में? एक हफ्ते। क्या बताया जा रहा है ऐसा और बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ अभी तक बताया नहीं गया। और अगर रिटेल की बात करें तो वहाँ कितने में दिया जा रहा है? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो, होलसेल में सस्ता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 40 रुपए किलो रिटेल मार्केट में मिल रहा है, और अगर हम होलसेल की बात करें तो वहाँ पे इतना मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर के दाम अब कम हो चुके हैं। अंकल, टमाटर के दाम अभी कितने हुए? टमाटर के दाम 50 रुपए किलो हो गए। 50 रुपए किलो हो गया। और रिटेल में कितना है भैया? रिटेल में 60-70। मतलब कम हुआ है क्या? अगर 10-15 दिन की बात करें तो पहले कितना था, अभी कितना? 140 होता, 160 रुपए किलो होता, 140 रुपए किलो होता है, अभी कम हो गया। अच्छा, और प्याज अभी बढ़ रहा है उसका? प्याज अभी दो तीन दिन से बढ़ रहा है, नहीं तो 60 रुपया 50 रुपया अढ़ाई किलो। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जैसे कि अभी आपने सुना कि प्याज के दाम जो है बढ़ रहे हैं और टमाटर के दाम कम हो गए हैं, क्या लगता है अब और बढ़ेंगे? कौन सा? टमाटर का? टमाटर का अभी कम हो जाएगा जी, लेकिन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। सीजनल है ना, अभी वो जो आएगा तो कम हो जाएगा वो। फिलहाल कोई आम आदमी को दिक्कत हो रही है? अभी तो सब अपने अपने हिसाब से चला रहे हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, जिसको जो खाना है वो खाते हैं और जितना पैसा है उतना खाते हैं। जिस तरीके से प्याज के दाम आगे चल के ना बढ़े, तो सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% तक बढ़ा दिया है 31 दिसंबर तक, उसे किस तरह से देखते हैं? ठीक है ना, अच्छा है ना, वो अच्छा किया ना पब्लिक, इंडियन पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है वो चीज, यानी कि संतुष्ट है? संतुष्ट है ना, तो कम हो जाए, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, फिलहाल क्या दाम चल रहा है सर प्याज का, अगर आपको जानना है? प्याज का अभी ये 80 रुपया ढाई किलो दे रहे हैं। ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, रिजनेबल है अभी तो। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ग्राहक भी थे हमारे साथ यहाँ पे, उनका ये मानना है कि जिस तरीके से दाम टमाटर के कम हुए हैं और प्याज के थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, हालांकि रीजनेबल रेट है, और सरकार ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% तक बढ़ा दी है 31 दिसंबर तक, तो इसे लेकर जो आम नागरिक है वो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका यही मानना है कि फिलहाल सीजनल है, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण जो फसल है बर्बाद हुई, जिसके कारण से रेट्स जो है और बढ़ सकते हैं, हालांकि फिलहाल आम आदमी तक मुंबई शहर में इसकी जो समस्या है बढ़ती नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी जो है यहाँ पे चिंता में नहीं है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।